हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रेयस किचन। आज हम सिज़लर खिचड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने आधा कप मूंग दाल और आधा कप चावल भिगो दिया है, और मैंने एक ऑनियन जो हरा प्याज एक लंबा काटा हुआ है, एक शिमला मिर्ची काटी हुई है, हरे प्याज की पत्तियां काटी हुई है, और हरा प्याज एक छोटा काटा हुआ है, एक टमाटर छोटा काटा हुआ है, एक चम्मच लहसुन की पेस्ट ली है और एक चम्मच अदरक की पेस्ट ली है, और उसके लिए एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, और एक मीडियम साइज़ का आलू जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए छोड़ा है, चुका है। मैं पहले जीरा डाल रही हूँ, पिंच हल्दी हींग डाल रही हूँ, बाद में उसमें लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट और जो बारीक प्याज काटा है वो डाल रही हूँ। एक मिनट सौते कर लेती हूँ। अब इसमें आलू डाल देती हूँ पानी निकाल के। लंबे काटे हुए प्याज भी डाल देती हूँ। शिमला मिर्च, और टमाटर, और ये जो मसाला है किचन किंग मसाला और गरम मसाला वो भी डाल देती हूँ। अब इसमें जो मूंग की दाल है मैंने हरी वाली ली है, और चावल भिगोए थे उसको पानी के साथ ही डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून हो चुका है और हमारी सिज़लर खिचड़ी रेडी है। अभी ये जो प्याज के पत्ते हैं वो मैं डाल रही हूँ, और ये जो लंबा ऑनियन काटा है, जो प्याज काटा हुआ है, वो भी डाल रही हूँ। गैस बंद कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि हमारी सिज़लर खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनी है। उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है।
आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।